ठीक है, अब देखो क्या होता है। हम लोग इसमें कितने क्वेश्चंस करेंगे? तीन। कितने क्वेश्चंस करेंगे? तीन। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, क्लोरीन के बेटा दो आइसोटोप्स होते हैं, कितने? दो, दो। ठीक है ना। दोनों का एटॉमिक नंबर कितना रहता है? 17। लेकिन एक का मास नंबर होता है 35 और दूसरे का मास नंबर होता है 37। कितना होता है? 37। अब नेचर में, नहीं, नेचर में इसका जो परसेंटेज रहता है वो कितना रहता है? 75%। कितना रहता है? 75%। और नेचर में इसका जो अबंडेंस रहता है वो कितना होता है? 25%। कितना होता है? 25%। ठीक है, तो ऐसे में जब हमको इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना होता है, क्या निकालना होता है? इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? 75 अपॉन इनटू में 100 इंटू 35 प्लस 25 अपॉन अपॉन हंड्रेड में इनटू 100 37। अपॉन 100 इंटू 37। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 35.5, which is the average atomic mass, which is the average atomic mass of chlorine. Is it clear to everyone? चलो सुनो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, है ना। हम लोग को दो आइसोटोप्स देके रखे हुए, एक 79 और एक 81, ठीक है मांग। तो क्या करेंगे हम लोग? 49.7 अपॉन में 100 इंटू 79 प्लस 50.3 अपॉन में 100 इंटू एटी वन। सॉल्व करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसको सॉल्व करोगे तो 80 पॉइंट समथिंग 000 कुछ तो भी तुम्हारा आंसर आएगा। दैट वुड बी द एवरेज एटॉमिक मास। इज इट क्लियर? अप्रॉक्स ले सकते हैं, हाँ अप्रॉक्स जैसे अपने 15 ले लिया तो दोगा, क्योंकि 50 तो होगा 49 का। हाँ वैसे तो ले सकते। एक एलिमेंट है जिसके दो आइसोटोप्स है। कितने आइसोटोप्स है? दो, एक 16 और एक 18, ठीक है ना। इस एलिमेंट का जब हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालने जाएंगे तो इसका एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा 16.2। कितना निकलेगा? 16.2। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है परसेंटेज अबंडेंस। मुझे क्या निकालना है? परसेंटेज अबंडेंस। क्या खुद से ट्राई करोगे या मैं कर रहा हूँ? दीदी इसमें परसेंटेजेस तो देख ही नहीं रखे हैं। हाँ भाई इसलिए तो निकाल रहे हैं। निकालने हैं। ये जिया है, कर पारी पारी लगी करना ट्राई। सिक्सटीन इंजन तेरे पास लैपटॉप है? नहीं है पर खराब हो गया उसको। मैंने बात है देखा पर यही होगा ना।
पूरा देखे रखा है। कुछ गलती कर रहा है छोटी आदि एक्स वाई नहीं हाँ एक्स वाई भी ले सकते हो। हाँ जी जिया बरकत इश्का मौलिक किसी का दिमाग चला? लक्ष तेरा दिमाग चला कि नहीं? नहीं चल रहा है आज? चल दे हाँ वैसे लक्ष का दिमाग चल जाता है क्लास में सबसे पहले लेट द ये हाँ थैंक गॉड लेट द परसेंटेज अबंडेंस इसका ले लेते हैं इसका कितना ले लेंगे एक्स तो इसका कितना लेंगे 100 माइनस एक्स क्योंकि परसेंटेज हमेशा किसमें से निकलता है 100 में से ही निकलता है तो एक का अगर कितना लेंगे एक्स तो उसे का क्या लेंगे 100 माइनस एक्स। अब देखो पहले को क्या लिखेंगे एक्स अपॉन में 100 इंटू 16 प्लस 100 माइनस एक्स अपॉन में 100 इंटू 18 इंटू 18 कितना दिया हुआ है हमें एवरेज एटॉमिक मास 16.2 कितना दिया हुआ है 16.2 मतलब दिस शुड बी इक्वल टू कितना 16.2 है ना। डिनोमिनेटर में 100 कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में ले लेंगे 16x प्लस 1800 माइनस 18x इक्वल्स टू 16.2 ठीक है ना। अब ध्यान से देखना ध्यान से देखना अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 1800 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 16.2 इंटू 100 क्या करा ये 100 को उठा के इधर लेके गए है ना तो हो जाएगा 1800 माइनस 2x दिस शुड बी इक्वल टू 1620 नहीं 1800 माइनस 1620 दिस शुड बी इक्वल टू 2x ये 2x यहाँ माइनस में था यहाँ जाके प्लस में हो जाएगा और ये 1620 यहाँ प्लस में था तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा यानी कि 180 इज इक्वल टू कितना 2x तो x शुड बी इक्वल टू कितना 90 तो 100 माइनस x कितना होगा 10 तो मेरा जो रिक्वायर्ड परसेंटेज अबंडेंस है वो कितना है 90% और 10% इज इट क्लियर।